अजमेर शरीफ़ की दरगाह में जाना अजमेर शरीफ़ की दरगाह में हाज़िर होना कैसा है इस बारे में तफसील से बता दें अरसलान बिहार देखें ये बुज़ुर्गों की ख़बर पे जाना सिर्फ़ आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए या मैत के लिए दुआ करने के लिए इस नीयत से जाना जायज़ है इसके अलावा किसी भी नीयत से जाना जायज़ नहीं आज कल जो ये मज़ार बने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में इन में बहुत सारी खुराफा होती हैं इसलिए इन मज़ारों पर जाने को हम नाजायज़ ही कहते हैं उसकी वजह यही है कि इससे बिदतीयों की तइद होती है और जो कुछ धूम धड़का वहाँ पर हो रहा है सबको पता है रसूल सल्ला वसलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यहूद नसारा पे लानत करे वो वंबिया के दुनिया से जाने के बाद उनकी ख़बरों को मेला गाह बना लिया करते थे ईदगाह जैसे ईद पर मेले ठेले होते हैं तो और आप सलील वसलम ने यह भी फरमाया कि मेरी ख़बर को अल्लाह इससे मेरी हिफाजत फरमाए तो खबर पर मेले ठेले और इस तरह का क्राउड जो है ये शरीय में पसंदीदा नहीं है तो और जितने भी बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग हैं बहुत सारे जो सूफिया कराम थे और उनकी ख़बरों का बड़ा बुरा हशर किया हुआ है बिदतियों ने तो इस तरह आज बहरल इस अमल से मना किया जाएगा आप अपने घर में बैठें और किसी बुज़ुर्ग के लिए दुआ करनी हो वहीं बैठ के कर लें हाँ जिस बुज़ुर्ग की खबर पर यह सब कुछ ना होता हो तो महज़ ख़बर की जीारत के लिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़र की ज्यारत के लिए हम जाते हैं ऐसे किसी बुज़ुर्ग की ख़बर की ज़्यारत के लिए भी यानी ज़्यारत बराए ज़्यारत हो तो जाया जा सकता है